पेरियार जी के लिए, हमारे महापुरुष के लिए बोल रहा है ये आदमी के एक आतंकवादी सोच को, जो भगवान को नहीं मानते, आतंकवादी सोच को फैला रहे। अरे आतंकवाद को जो फैला रहा है ना, वो तुम्हारा जो भगवादारी चोला है वो फैला रहा है। भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सबको पता है, कोई पागल नहीं है यहाँ पे। और मैं तो ये बोलूंगी कि ये जो बाबा रामदेव की है बहुत ही टुच्ची हरकत है, और अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी दम है तो आए बहुजन समाज के सामने और हम बताएंगे इनको मूल निवासी कौन है कौन नहीं। समाज को वैचारिक आतंकवाद बोला है, तो ये वैचारिक आतंकवादी है, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो घटिया किस्म का जो स्टेटमेंट आया है, क्या लगता है? सबसे पहले तो ये बाबा नहीं है, ये एक व्यापारी आदमी है और ये बीजेपी का दलाल है। सबसे पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूंगी कि ये बीजेपी के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। बहुत ही घटिया इंसान है, इसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं है। ये किसको बताएगा कि यहाँ के मूल निवासी है कौन, ये खुद कौन है? पहले इसको, अगर इनके अंदर, इनके बाप के अंदर भी थोड़ा सा भी दम है ना, तो आकर जरा डिबेट करें लोगों के साथ, हम जैसे लोगों के साथ जो बहुजन समाज से है, तब पता चलेगा कि मूल निवासी कौन है कौन नहीं थे। शबरी कौन थी ये पता होगा इनको, शबरी कौन थी? बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम आए, अरे हम में गिन किसको रहा है? ये है कौन? ये ब्राह्मण है, किसको गिन रहा है? और ब्राह्मण सबसे पहले आया अगर ये बोल रहे हैं तो चलिए ठीक है, ब्राह्मण की हम बात नहीं करते यहाँ पे। तो ये रामदेव जो है, ये रामदेव कहाँ से आया? सबसे पहले ये बोल रहा है कि मैं यहाँ से आया, इनको दिखता ठीक से नहीं है और ये बोल रहे कि हम सबसे पहले आए, ये एकदम बेवकूफ़ इंसान है। और सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो बाबा होते हैं ना, वो बाबा का काम क्या होता है? बाबा ये जानते हैं बाबा किसको कहते हैं? बाबा वो होते हैं जो संन्यास ले ले, सब कुछ छोड़ के अलग बैठ के सन्यासी बन जाए, जो अपना जितनी भी खुशियाँ होती हैं वो सब छोड़कर बैठे आराम से। ये अपना व्यापार कर रहे हैं, हर चीज़ ये व्यापार में ले आते हैं, कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ बनाते हैं, हर अलग अलग तरह की चीज़ों का व्यापार करते हैं। कहाँ से बाबा हुए ये? करोड़ों हजारों करोड़ की इनकी अभी खुद की इनकी वो है, क्या कहते हैं, जितनी धन दौलत है इनकी हजारों करोड़ों में है, वो कहाँ से है ये बताना चाहेंगे? देखिए पतंजलि का जितना भी सामान है सबको पता है बहुत ही घटिया सामान है, बहुत ही बेकार सामान है, उसे कोई यूज नहीं करता है। जो इनके बीजेपी भक्त है ना वो ही यूज करेंगे, क्योंकि वो अलग जातियों में गिनने लगते हैं फिर के भाई ये किसी और जाति के लोगों ने बनाया होगा। बाबा रामदेव तो इनके अपने ही है, तो क्योंकि देखिए आशीर्वाद आटा जो था उसको ये हटा के अपना आटा लेकर आए, मैगी जो थी मैगी को अपना लेकर आए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे अलग व्यापार है उनको खत्म किया जाए, और ये जो बाबा का व्यापार है, क्योंकि ये बीजेपी का जितना भी इसका वोट है सारा ये बीजेपी के लिए इकट्ठा करता है यहाँ पे। तो ये बहुजन समाज को कहने की इनकी कोई भी हैसियत नहीं है, ये बहुत ही टुच्चे मुच्चे बाबा है एक, और बीजेपी की वजह से आज इनका अस्तित्व है, बीजेपी की वजह से आज यहाँ पे है। अगर बीजेपी ना हो तो ये दिखे भी ना यहाँ पे, और जो सलवार पहन के भागे थे, अरे इतना ही तुम्हें, अगर तुम बाबा हो तो इतनी प्यारी है तुम्हें जान कि तुम मतलब वहाँ पे ये सब हो गया, तुम सलवार पहन के, औरत की सलवार पहन के घूम रहे, अरे तुम्हें अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो बैठते ना वहाँ पे, जब सबका मुकाबला करते हैं वहाँ पे देखते क्या होता है। चलिए ठीक है, वो जो अनशन इन्होंने किया, इतने बड़ी मात्रा में जो लोग आए उसमें अनशन जुड़े, क्यों जुड़े थे वो लोग? कि काला धन, वो ये चाहते थे कि काला धन वापस आ जाए, उसी के लिए ये बैठे थे। अब काला धन कौन सा वापस आ गया? इन्होंने बोला नोट बंद कर दिए जाए 500 हजार के, चलो नोट भी बंद हो गए, 2000 के नोट आ गए, तो अब इसकी चुप्पी काय की है? तो ये अब चुप क्यों है? अब क्यों किसी नहीं बोलता क्यों? और उसके बाद इतना बड़ा बयान दे रहा है पेरियार जी के लिए, हमारे महापुरुष के लिए बोल रहा है ये आदमी के एक आतंकवादी सोच को, जो भगवान को नहीं मानते, आतंकवादी सोच को फैला रहे। अरे आतंकवाद को जो फैला रहा है ना, वो तुम्हारा जो भगवादारी चोला है वो फैला रहा है। भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सबको पता है, कोई पागल नहीं है यहाँ पे। और मैं तो ये बोलूंगी कि ये जो बाबा रामदेव की है बहुत ही टुच्ची हरकत है, और अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी दम है तो आए बहुजन समाज के सामने और हम बताएंगे इनको मूल निवासी कौन है कौन नहीं। ये कुछ समय पहले रामदेव का ये पहली बार बयान नहीं है, इससे पहले भी बयानबाजी आ चुकी है और माफी मांग ली जाती है। क्या लगता है कि इस बार जो बयान दिया है इस पे माफी लायक है? अरे बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे, ये माफी मांगेगा क्यों भाई, ये माफी मांगेगा भी नहीं। देखिए पहली बात तो जो इन्होंने जितना बदतमीजी इन्होंने बोला है वो पहली बात तो माफी के लायक नहीं है, बहुजन समाज इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा इस बात के लिए। और दूसरी बात, अगर ये अगर हम सोचते हैं कि माफी मांगेंगे तो ये माफी नहीं मांगेगा भाई, पूरा जो भारत पे कब्जा है इन्हीं की पार्टी का है। ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मणवाद में अपने आप को गिन रहे हैं सारा में कब्जा उन्हीं का है, तो कैसे आखिर ये माफी मांगने के तैयार हो जाएंगे? बीजेपी इनके लिए ना सर हाथ रख के बैठी है पीछे, ये माफी मांगेगा ही नहीं जब तक बीजेपी इसके पीछे है। और बीजेपी मुझे लगता नहीं कि जितनी बुरी तरह भक्त है, बिल्कुल बेवकूफ लोग जिस तरह से मोदी को आगे बढ़ा रहे हैं, कि इसका अभी ये माफी मांगेगा मुझे तो नहीं लगता है। जिस तरह
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।